शिवरात्रि के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ को भक्तों द्वारा हल्दी मेहंदी रस्म अदा की गई। भक्तों द्वारा नाच गान के साथ पशुपतिनाथ को हल्दी लगाई गई। पुजारी ने मीडिया को बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर 3 दिवसीय आयोजन मंदिर में किया जा रहा है। आज भक्तों द्वारा हल्दी मेहंदी लगाई गई, कल तिलक की रस्म की जाएगी, परसों भगवान की शादी होगी। जिस प्रकार से महाकाल में रस्म होती है, उसी प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी पिछले कुछ सालों से हल्दी मेहंदी रस्म मनाई जा रही है। भक्तों में काफी उत्साह है। भक्तों द्वारा हल्दी मेहंदी सजाकर ढोल बाजे के साथ मंदिर पहुंचकर भगवान को हल्दी से स्नान कराया गया। उसके बाद भगवान का श्रृंगार किया गया और सभी भक्तों ने एक दूसरे को हल्दी मेहंदी लगाकर इस रस्म को बड़े उत्साह से मनाया और सभी भक्त एक जैसी वेशभूषा पहनकर इस रस्म में शामिल हुए। कल तिलक चूड़ी का कार्यक्रम वस्त्र बदले जाएंगे, उसके बाद में शिवरात्रि पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। उस दिन प्रातः 4 बजे से मंदिर खोल दिया जाएगा, फिर भगवान के अभिषेक और विशेष श्रृंगार शुरू हो जाएंगे। 11 क्विंटल की खीर बनाई जाएगी और भक्तों में वितरण किया जाएगा। उसके बाद 11 बजे भगवान की राजभोग आरती होगी। राजभोग आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। संध्या आरती होगी। शयन में चारों प्रहर विशेष अभिषेक होंगे और भगवान का विशेष श्रृंगार होगा। विशेष अभिषेक में भांग से, फलों के रस से, गंगा जल, गुलाब जल, इत्र से विशेष अभिषेक होगा और भगवान को दूल्हे की तरह सजाया जाएगा। आयोजन किया गया, आज हल्दी का रस्म किया गया। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है, उसी शिवरात्रि पर्व के उत्सव के उपलक्ष्य में आज 2 दिन पूर्व भगवान पशुपतिनाथ महादेव को हल्दी, माता जी को हल्दी लगाई गई। जिस तरह से महाकाल में हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, उसी प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भी पिछले कुछ वर्षों से हल्दी की रस्म मनाई जा रही है। यहाँ पर भक्तों में काफ़ी उत्साह था। बहुत सारे भक्तों द्वारा बाहर से ही हल्दी और मेहंदी और पान वगैरह सब सजा करके ढोल नगाड़ों के साथ में भगवान के मंदिर परिसर में घुमा करके नाच गा करके लाए गए और फिर भगवान को हल्दी से स्नान कराया गया। हल्दी से स्नान कराने के बाद में भगवान का नयनारा में श्रृंगार किया गया और सभी भक्तों ने एक दूसरे को हल्दी लगा करके और मेहंदी लगा करके पर्व उत्साह से मनाया और सभी भक्त आज एक जैसी वेशभूषा में आए और भगवान के साथ हल्दी की रस्म मनाई। इस कितने दिवसीय कार्यक्रम ये कार्यक्रम तो वैसे पिछले जो शिव नवरात्रि होती है उसमें 9 दिन से पूरा भगवान का विशेष श्रृंगार हो रहा है यहाँ पर और उसी में आज 2 दिन पूर्व हल्दी की रस्म मनाई गई। कल यहाँ पे भगवान के जो भी आसपास मंदिर है, सभी मंदिर है भगवान के यहाँ, सभी भगवान के यहाँ पे वस्त्र चेंज बदले जाएंगे और तिलक चूड़ी की रस्म अदायगी की जाएगी। उसके बाद में शिवरात्रि पर्व, महाशिवरात्रि पर्व 18 तारीख को मनाया जाएगा। उसमें प्रातःकाल 4 बजे से ही मंदिर खुल जाएगा और 4 बजे मंदिर खुलने के बाद में भगवान के अभिषेक और विशेष श्रृंगार शुरू हो जाएंगे। प्रातःकाल 7 बजे प्रातःकाल आरती मंडल की तरफ से 11 क्विंटल दूध की खीर मनाई जाएगी और उस खीर का वितरण किया जाएगा। उसके बाद में 11 बजे भगवान को राजभोग आरती होगी। राजभोग आरती के पश्चात भी प्रसाद वितरण होगा। संध्या आरती होगी। शयन में भगवान को चारों प्रहर विशेष अभिषेक होंगे और भगवान का विशेष श्रृंगार होगा। विशेष अभिषेक में फलों के रस से, भांग से, गंगा जल, गुलाब जल, इत्र, गन्ने का रस वगैरह, केसर के दूध वगैरह सभी चीज़ों से विशेष अभिषेक होगा और भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा। रविशंकर अग्रवाल। इस वर्ष भी भक्तों के द्वारा हल्दी की रस्म की गई, मेहंदी की रस्म की गई, हल्दी मेहंदी चढ़ा के भगवान की आरती श्रृंगार किया गया। कितने दिवसीय आयोजन है? आज जो है 3 दिवसीय आयोजन है। आज मेहंदी का है, मेहंदी और हल्दी का, कल तिलक का होगा, परसों शिवरात्रि शादी का प्रोग्राम होगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष जो है शिवरात्रि पे विशेष ये है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। शिवरात्रि जो दीपोत्सव के रूप में मनाई जाएगी, भव्य रूप से घाट पे सब में दीपोत्सव मनाया जाएगा। आपका शुभ नाम? पुजारी पंडित पुरुषोत्तम जोशी। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।